80 और 120 गज का प्लाट अंदाजन कितने में आप घर तामीर कर? 99% तो कस्टमर जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें अच्छा मयारी घर ही चाहिए। ठीक है, साइट विजिट करते हैं कि आपका प्लॉट की लोकेशन क्या है, हमारा पेमेंट शेड्यूल होता है, मटेरियल लिस्टिंग होती है, स्कोप ऑफ वर्क होता है, तमाम डिटेलिंग होती है, ये कह लें फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सिंगल स्टोर में कम से कम भी 100 डेज का टाइम ड्यूरेशन हमें लगता है, यानी कि 3.5 महीने से। अगर आपको सामान कस्टमर दे दे, ठीक है, सारा मटेरियल यानी मटेरियल, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो एक बोरी के बजाय आधी बोरी डलवाए, लॉस हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर है तो भाग जाता है या फिर मजीद रकम का तकाजा करता है। आपको पता है ये काम ऐसा है, इसमें लाखों रुपये लग भी जाते हैं, लाखों रुपये बर्बाद भी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रज़ा इस्फ़ानी और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको आपने मेरे साथ मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा, कंस्ट्रक्शन से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ज़बरदस्त से मकानात बनाते हैं। बेसिक नीड जो इंसान की होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान की बहुत बेसिक नीड है। रोटी भी आपको मैसर हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से, कच्ची या पक्की, कपड़ा भी मिल जाता है सस्ता या महंगा, लेकिन मकान बहुत ज़रूरी एक नीड है इंसान की, ख्वाह वो छोटा हो ख्वाह वो बड़ा हो, लेकिन मकान होना चाहिए। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इरफान साहब को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि ये बहुत खूबसूरती से छोटे घर को भी बहुत खूबसूरत बनाते हैं और बड़े घर को भी बहुत खूबसूरत बनाते हैं। जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से काम करते हैं और मैंने ये देखा है कि इनके बनाए हुए घर बहुत ज़बरदस्त से होते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आज इनको यहाँ पर मद्दू किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हैं? अल्लाह का करम है। इरफान भाई, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे देखने वालों के लिए ख़ास तौर पर उनकी वो होती है कि उनके इल्म में होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों में कितना खर्च होता है अगर कोई बनवाना चाहे। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपको कितना टाइम हुआ इस फील्ड में आए हुए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझा, आपने हमें मदद किया और इस एक प्लेटफॉर्म पे कि हमारा बना हुआ है या हमारे जो तामीर शुदा मकान आते हैं आपने पसंद किया, मयार को देखा। बिल्कुल ठीक है ना, तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। देखें, इनडायरेक्टली हमारा इस फील्ड से जो ताल्लुक़ है तकरीबन 14 से 15 साल का हो गया। ठीक है, और अभी तकरीबन 5 साल से हम कंटिन्यू इस फील्ड में। ठीक है जी। अच्छा, नॉट ऑन जो GFS की बाउंड्री वॉल सोसाइटी फेज 1, इसमें अब तक आपने कितने मकान बनाए? देखें, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसकी अगर टोटल काउंट किया जाए तो वो तो तकरीबन 24+ पे चले गए। ठीक है, उसमें 80 और 120 का 144 यार्ड मिक्स कैटेगरीज हैं। ठीक है ना, इसमें कमर्शियल भी हैं क्या? तो देखिए, हमने अब इसमें से कुछ मकानात ऐसे हैं कि जो सिर्फ क्लाइंट ने हमसे स्ट्रक्चर बना के जो है वो रोक दिया है कि अभी हम अपने बजट के हिसाब से, उसमें से कुछ लोगों ने दोबारा कंटिन्यू किया है, लेकिन तकरीबन इसमें से 75-80% मकानात हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। अच्छा इरफान भाई, 80 और 120 गज का मकान होता है, आप प्लाट से शुरू करते हैं? जी जी बिल्कुल, है ना। तो 80 और 120 गज का प्लाट अंदाजन कितने में आप घर तामीर कर देते हैं? देखें, अगर सिंगल स्टोरी की बात की जाए तो देखें, अच्छा मयारी घर सिंगल स्टोरी के अंदर आज जिस जो इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है और मार्केट कंडीशन के अंदर जदीद जा रहे हैं, तो कम से कम 34 से 35 लाख रुपए में सिंगल स्टोरी का घर कम्प्लीट होगा जी। उसमें फोर सीलिंग, दरवाजे, खिड़कियां, एवरीथिंग जो है ना इसमें इंक्लूडेड है और रेडी टू शिफ्ट जैसे कहते हैं। अच्छा, यानी कि रेडी टू। और उसका टाइम ड्यूरेशन? टाइम ड्यूरेशन सिंगल स्टोर में कम से कम भी 100 डेज का टाइम ड्यूरेशन हमें लगता है, यानी कि 3.5 महीने से कहें। अच्छा, इसमें एक और क्राइटेरिया भी होता है, जैसे कि अगर कोई डिले ऑफ वर्क आता है इनकेस पेमेंट शेड्यूल या मौसम वाला, तो उसमें वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। ठीक है, कोई आपके पास ऐसे भी कस्टमर होते होंगे जो ओवरसीज हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, बहुत सारे, तो वहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं आता होगा ना, आपने काम किया ऑनलाइन, उससे बात की, थोड़ा सा आपने दिखला दिया उसको, तो बेस का आप कितना ख्याल? देखिए, वो तो जमीन के अंदर चला गया। ठीक है, एक सिस्टम जमीन में पैक हो गया, वो तो नजर नहीं आता ना, ये दीवार नजर आएगी लेकिन बेस नजर नहीं आएगा। तो आप अपनी तरफ से कितनी ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं, वो बेस कैसा बना? देखें, हमारी तरफ से कोशिश होती है कि अगर किसी ने हम पर ट्रस्ट किया तो हम उसका काम जो है ना प्रॉपर वे में करें, चाहे वो हमारे साथ मौजूद हों या ओवरसीज में ना हो। ओवरसीज में अलहमदुल्ला लोगों ने हम पे कॉन्टेक्ट ट्रस्ट किया तो हमने डिलीवर किया। अच्छा, फाउंडेशन का ख्याल हम सबसे
सकें कि हम प्रॉपर वे में हम इसकी फाउंडेशन हिसाब से लेके चलते हैं कि यहाँ ऑफिशियली ग्राउंड प्लस वन की अप्रूवल है। ठीक है, इन केस ग्राउंड प्लस टू भी बनाना हो तो इजीली कोई इशू नहीं है। और क्योंकि देखें बेस जब मजबूत होगी तो ये आपका टांगे हैं बेसिकली, जैसे एक स्टूल की भी बात की जाए, जितने उसके टांगे मजबूत होंगी तो उतना लोड बेयरिंग होगा, उतना लोड एक्सेप्ट है। अच्छा, लाजमी सी बात है, अगर इसमें किसी जिसकी कोई कोताही कमी रह गई तो वो गैपिंग कम खत्म नहीं हो सकती और वो आपका लाखों रुपए का नुकसान है। बिल्कुल, इसलिए कि वो तो पूरे तो हमारी तरफ से तो इस चीज़ में तो बिल्कुल जीरो कम्प्रोमाइज हम इसमें किसी चीज़ का अलहमदिल्ला कोई कोताही नहीं छोड़ते अलहमदिल्ला। ठीक है, ठीक है। फाउंडेशन क्या, फिनिशिंग स्टेज क्या, किसी भी चीज़ के अंदर कोशिश यही होती है कि देखें अगर किसी ने ट्रस्ट किया तो उसको बेहतर से बेहतर डिलीवर किया जा सके। जबरदस्त बात जी। अच्छा इरफान भाई, आज से अंदाजन 15-16 साल पहले काम शुरू किया आपने? जी जी। ठीक है ना, जो आपने पहला मकान बनाया था वो कितने स्क्वायर यार्ड पे था? वो बेसिकली हमने लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ठीक है ना, तो वो था 240 यार्ड का। ठीक है, 240 का। और कैपिटल सोसाइटी के अंदर स्टार्टअप लिया था, स्कीम 33 के अंदर, स्कीम 33 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने फिर यहाँ पर साइमा रिबिन विलास में भी काम किया। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी एरियाज में भी काम किया। जब NTR में हमने काम का स्टार्टअप किया था तो उस वक्त हमने यहाँ पर 120 यार्ड के मकान से स्टार्टअप लिया था। अच्छा, ठीक है, सिंगल स्टोरी मकान। ज़बरदस्त। उस वक्त आपने जब यहाँ पर पहला मकान 120 गज का बनाया था तो उस वक्त उसकी क्या लागत आई थी? देखिए, उस वक्त अगर लागत की बात की जाए तो वो तकरीबन 26 लाख रुपए पे चला गया था, लेकिन आप एक बात में बताना मुनासिब समझता हूँ कि देखें कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है। ठीक है ना, उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो 24 लाख रुपये का लिया। ठीक है ना, अब वो जब इन्फ्लेशन आया लाजमी सी बात है, लेकिन हमारी कमिटमेंट थी तो हमने उसको डिलीवर किया, हमने लॉस के बावजूद उसको डिलीवर करके दिया। अच्छा अच्छा जी। तो ये देखें, ये एक मार्केट में हमने एक अपनी प्रेजेंटेशन एक इंट्रोड्यूस करानी थी तो इस वजह से। अमूमन इस तरह के सिनेरियो में होता ही है कि अगर लॉस हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर या तो भाग जाता है या फिर मजीद रकम का तकाजा करता है। हाँ। इसकी वजह से मार्केट खराब हो जाती है, लाजमी सी बात है, साफ मुतासर होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह के मामलात होते रहते हैं। और अच्छा ये बताएं कि आप जो डील करते हैं कस्टमर से, जी जी, किसी को बनवाना है वो मकान अपना बनवाना चाहता है, वो आपने वो जगह देखी तो क्या तरीक़ेकार होता है कि पेपर वर्क करते हैं, किस तरह सारी चीज़ें देखें? इसलिए कि आपने एक पूरा एक फिगर देना है उसको, मुझे एक आपने फिगर देना है कि भाई 50 लाख। ठीक है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि उस 50 लाख में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वो क्या तरीका? देखें, हमारा सबसे पहले तो जब हमारे पास एक न्यू क्लाइंट जैसे आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम पहले उनकी बेसिक नीड पूछते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, कंप्लीट फिनिशिंग है, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, लेआउट क्या है, ठीक है, किस कंडीशन बनाना है, नॉर्मल कंडीशन है या एक अच्छा मयारी घर बनाना है, डोर साइड पर नहीं लेकिन एक थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा लुक वाइज कह लें या थोड़ा सा। अब 99% तो कस्टमर जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें अच्छा मयारी घर ही चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर हम साइट विजिट करते हैं कि आपका प्लॉट की लोकेशन क्या है, उसकी ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, उसके हिसाब से जो एस्टीमेशन में जो माइनर सा डिफरेंस आता है तो फिर उसके एस्टीमेशन बनाते हैं, उनको व्हाट्सएप या PDF व्हाट्सएप वगैरह करते हैं या फिर उनको प्रपोजल जिसे कहते हैं सेंड करते हैं। ठीक है, उसमें तमाम डिटेलिंग होती है, हमारा पेमेंट शेड्यूल होता है, मटेरियल लिस्टिंग होती है, स्कोप ऑफ वर्क होता है, तमाम डिटेलिंग होती है ये कह लें। ठीक है, उसके बाद एग्री होते हैं वो, तो फिर मीटिंग होती है, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो उसमें तमाम चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से होती हैं, तमाम जो पेमेंट शेड्यूल होता है काम के नौयत के हिसाब से, बेसिकली हमारा फॉर्मेट तो ये है। अगर मिसाल के तौर पे एक कस्टमर ने एक आपसे मकान बनवाया और पेमेंट में दौरान काम तो देर सवेर हो गई तो उसमें क्या? देखें, उसमें दो कंडीशन होती हैं। देखें, अगर तो देखें हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट सपोज हमने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब क्लाइंट से हमारे ये इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ्स का या 5 मंथ का फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हमारे शेड्यूल के जो टोटल पेमेंट है इसी टाइम ड्यूरेशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर क्लाइंट हमें उसी शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट कर रहे हैं तो हमने उसी कॉस्ट में उसको डिलीवर करके दिया है। अगर इन केस उनके पेमेंट शेड्यूल की वजह से काम जो 4 महीने का काम था 6 महीने पर चले गया, 5 महीने में चले गया, अब जो कि इन्फ्लेशन लाजमी सी बात है आता है। एक चीज़ अगर आज हमने स्टार्टअप में जब काम का कॉन्टैक्ट किया 100 रुपये की है, जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो 110 रुपये की हो गई या इससे ऊपर एक फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें अगर देखें डिले ऑफ वर्क क्लाइंट की तरफ से हुआ है, पेमेंट
पेमेंट की वजह से, तो फिर उसके लिए लाजमी सी बात है उसका तरीक़ेकार ये है कि फिर क्लाइंट जो है इसके जो इन्फ्लेशन है वो पे करेंगे। ठीक, अगर इन केस क्लाइंट ने पेमेंट अपने शेड्यूल के हमारे शेड्यूल के मुताबिक दी है और इन केस उसमें फिर भी ड्यूरेशन बढ़ गया तो हम उसी कॉस्ट में डिलीवर करके देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कई बार किया। सही है, अच्छा ये आपने बात क्लियर की, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है, आपको पता है मईशत पाकिस्तान की इस वक्त जिस कंडीशन में चल रही है उसका अल्लाह ही हामी व नासिर है, और सुबह आँख खुलती है तो पता चलता है पेट्रोल पे इतने बढ़ गए और फलानी चीज़ पे इतने बढ़ गए, कोई भी चीज़ आप नहीं ले जाते, पैसे 19-20 होते रहते हैं। मेरा और आपके दरमियान एक सौदा हो गया कि मैं 5 महीने में ये मकान आपको इतने में बना के दूंगा, 5 महीने में फ्लक्चुएशन आती रहती है ना, ऊपर नीचे कम ज़्यादा, कम हो रहा है तो आपका फ़ायदा हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, है ना, लेकिन अगर बढ़ गया मिसाल के तौर पर सरिये के पैसे बढ़ गए, सीमेंट के पैसे बढ़ गए, बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं, दौरानिया वही है 5 महीने का, तो अब आप उस नहज पे पहुंच गए कि आपने 50 लाख का की बात मुझसे की और वो सौदा आपको 55 लाख में पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 5 लाख का लॉस हो रहा है मिसाल के तौर पे, उस सूरत में आप क्या करते हैं, वो 5 लाख की डिमांड करते हैं या उसी 50 लाख में जो तय हुआ है उसी में आप महदूद करते हैं? सुन भाई, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब हमने यहाँ पर NTR 1 में हमने जब यहाँ पे एंटर हुए तो हमने जब पहला स्टार्टअप लिया तो हमने इसी स्टार्टअप से लिया कमिटमेंट, ठीक है, जो सौदा हो गया जो हो गया, अब ये कमिटमेंट है ये आपने पूरी करके देनी है, ठीक है ना, अगर आपने फील्ड में काम करना है यानी मार्केट में रेपुटेशन जिसे कहने, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, मैंने आपको एक और बात भी रखी थी कि अगर जैसे कि इन्फ्लेशन पेमेंट की वजह से आया क्लाइंट की वजह से, तो लाजमी सी बात है उसमें कंपनसेशन कुछ ना कुछ वो करना चाहिए और करते हैं, करते भी हैं, ठीक है, लेकिन अगर बिल फर्ज है कि इन्फ्लेशन वगैरह की जैसी बात है ना, तो हमने कमिटमेंट पूरी करके देनी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि कमिटमेंट पूरी करके दें हैं उसी कॉस्ट के अंदर, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा असल में हर मिजाज के लोग होते हैं, हर टाइप के होते हैं, 90% लोगों का ये ख्याल होता है कि यार मैंने तो आपसे बात कर ली थी, 5 महीने में आपने डिलीवर करना है और 50 लाख में मेरा आपका सौदा हुआ था, ठीक है, तो ये 50 लाख आप, ठीक है, ठीक है ना, 40 महीने दे दिए, 10 बचे, ये आप 10 लें और मुझे पोजिशन दे दें, ठीक है, अब आपका लॉस हो रहा है या आपका फ़ायदा हो रहा है या आपका नसीब है, ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है आप अल्लाह तवक्कल उनसे बहस नहीं कर सकते, लॉस भी हुआ है हमें, ठीक है ना, तो हमने उसी कॉस्ट में करके दिया। लेबर आपको परेशान करती होगी बाजो? नहीं, तो लेबर तो लाजमी सी बात है, देखें लेबर का तो आपको पता है ये काम ये फील्ड ऐसी है, लेबर को तो कैश पेमेंट चाहिए, लेबर को तो कैश पेमेंट चाहिए, इतना जो है मामला ऐसा है क्योंकि ये जो बेसिकली हमारा जो फील्ड है इसके अंदर सर्कुलेशन का काम है, पैसे की गर्दिश का काम बहुत है, मटेरियल का, लेबर का, सारी चीज़ है, तो इसमें तो पेमेंट का, और इसीलिए तो लाजमी सी बात है कोशिश यही होती है कि सर्कुलेशन जो है ये जारी रहनी चाहिए। अच्छा इरफान भाई, वो होता है ना कि आप काम यही कर रहे हैं तो आपने मखसूस जगहें रखी होंगी, सरिया कहीं से उठाना है, सीमेंट कहीं से लेना है, बजरी कहीं से लेना है, लेबर आपके होंगे, अपने होंगे, तो उसमें भी आपको तो मार्जिन मिलता होगा ना कि आप रेगुलर कस्टमर हैं सीमेंट के? नहीं देखें, उसमें बिल्कुल लाजमी सी बात है, देखें हमें फेवर मिलता है, फेवर भी मिलता है, दूसरी बात ये होती है कि देखें एक ट्रस्ट होता है, जैसे कि आप क्लाइंट ने हम पे ट्रस्ट किया है कि यहाँ पर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और किसी ने मुझे चूज़ किया, सेलेक्ट किया उन 100 में से, तो अब हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो हमने भी तो सिलेक्शन करी है ना उनके साथ, तो हमने भी सिलेक्शन करी है, कुछ देख के किए, बिल्कुल कुछ देख के किए, तो लाजमी सी बात है हमें भी फेवर मिलता है, और अगर हमें फेवर मिलता है तो उसी फेवर के बिहाफ पर हम जो है वो लॉस भी होता है उसको कवर करते हुए चल रहे होते हैं, इसकी वजह यही है। बिल्कुल वजह यही है, बहुत ज़बरदस्त बात इरफान भाई, बहुत सारे मकान आपने बनाए हैं और माशाल्लाह से मुसलसल आप इन है मार्केट में, मुसलसल काम कर रहे हैं, मईशत का आपको पता है पाकिस्तान के कारोबारी मामला बहुत ख़राब है, पहले के मुकाबले में इस वक्त आप क्या समझते हैं कि लोगों के लिए आसान है अपना घर बनाना या बहुत मुश्किल है? इस वक्त अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो बहुत मुश्किल है और लाजमी सी बात है इन्फ्लेशन इतना, महंगाई इतनी है, मामलात इतने ख़राब हैं, अब वो लाइफ से पता है सैलरी पर्सन तो अब वो घर चलाए या फिर घर बनाए, बहुत मुश्किल है। इन्होंने एक अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी और बैकअप था तो लाजमी सी बात है, या जिनके बेसिक नीड है अभी, तो अभी सिर्फ वही लोग काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ये जो अफोर्ड कर सकते हैं लोगों ने प्लाट लिए हुए हैं और मकान नहीं बना पाते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लाखों रुपये का काम है ये, हज़ारों का तो नहीं कि अगर कोई इंसान एडजस्ट कर लेगा, लाखों रुपये का काम है ये, बिल्कुल, तो
मुल्की हालात और मामला और जो ग्राउंड रियलिटी देखते हुए अभी तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त मुल्की मामला वाकई में इस नहज पे पहुंच गए हैं कि गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है तो मकान बनाना तो फिर बहुत दूर की बात है, लेकिन ज़रूरियात है लोग उसको किसी ना किसी तरीके से, जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं वो बीसीआर डालते हैं, उसको जमा करते हैं, फिर बीसी डालते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर जब वो पैसे इस काबिल हो जाते हैं कि उसको वो मकान में लगा सके। इरफान भाई, बाज़ लोग ये भी करते होंगे ना कि दो तरीके से काम होते हैं, तो ओवरऑल आप करें, दूसरे ये कि जितना मटेरियल है ठीक है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अपनी लेबर बताएं, ठीक है बिल्कुल। तो उसमें मेरे ख्याल में इन दोनों तरीके में कौन सा तरीका आपको ज़्यादा सूट करता है? देखें, उसमें अगर हम सेफ साइड की बात की जाए तो लेबर रेट पे हमें ज़्यादा सूट करेगा, यानी कि अगर आपको सामान कस्टमर दे दे ठीक है सारा मटेरियल, यानी मटेरियल वो उसकी जिम्मेदारी है, वो एक बोरी के बजाय आधी बोरी डलवाए, ऐसा भी हो सकता है ना? ऐसा भी होता है, लेकिन आप आपकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ उसके ये सिनेरियो बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा तुम्हें पता है बात क्या है, हम लेबर रेट पर भी काम करते हैं। अच्छा, जिस तरह के जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंडीशन या जो हमारा एक माइंड सेट है तो हम उसमें ज़्यादा सेफ साइड समझते हैं, लेकिन जो आपने बात की है ना कि जहाँ वो एक बोरी के बजाय आधा बोरी डलवाए, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो। नहीं, तो हम क्या करते हैं, अगर क्लाइंट ने मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मैंने जो लाके दे दिया आपने इसमें ही पूरा करना है, जनरल जनरल, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो हम माजरत कर लेते हैं कि हम आपके कहने से ये मटेरियल या ये क्वालिटी या इस क्वांटिटी में यूज़ कर तो लेंगे, लेकिन इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हम ऑन नहीं करते। इससे आपकी भी बात खराब नहीं, हम यही हम बता रहे हैं कि हम अगर आपके तरीके से या आपके बिहाफ पर हम ये काम कर देते हैं तो इसमें टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑन करेंगे, हमारा हम इससे बरी जिम्मा है, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट लेकर चल रहे हैं। अब उसमें आप क्वालिटी, क्योंकि हमें अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी, क्योंकि आप तो कहेंगे कि भाई मैंने जो लाके दे दी आपने इसमें पूरा करना है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए, अल्लाह ना करे कोई उसमें कंप्लेन आ जाती है, तो हमारा नाम ख़राब होगा, हमारा इमेज ख़राब होगा, जो कि हम माजरत कर लेते हैं, हम उस चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसमें अगर हमें लगता है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट के भाई ठीक है भाई हमें जो है आप नहीं काम कर रहे, तो फिर हम माजरत कर लेंगे, भाई ठीक है आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेके चले, क्योंकि देखें यहाँ आपको पता है ये काम ऐसा है इसमें लाखों रुपए लग भी जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद भी ऐसे हो जाते हैं, बर्बाद भी ऐसे हो जाते हैं। और यहाँ लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ गया तकरीबन हर जगहों पर लोग पैसे को जहाँ देखते हैं तो वहाँ फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर ये देखता है कि भाई मैंने मैक्सिमम बचाना है तो वहाँ भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये काम जैसे मैंने बताया कि हमारे ये काम ये शौक़ भी था और हमने इस फील्ड को एक इंटरेस्ट है, तो हमारी कोशिश भी इसी इनोवेशन का सिलसिला चलता रहता है कि हम काम को काम समझ के नहीं करते। लोग यहाँ पर इस फील्ड को इसके समझ के रहते हैं कि भाई काम करो, जान छोड़ाओ, बाहर निकलो, बिल्कुल अपने तो पैसे लो, अपने पैसे लो साइड साइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और जिससे एक सारी चीज़ों का एक ताल्लुक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इरफान भाई ने बहुत ज़बरदस्ती बातें की और बहुत ही नॉलेज वाली कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसका जाहिर सी बात है आपके इल्म में भी नहीं होगा। इसी किस्म की कुछ वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए डील्स आबाद के इस पॉडकास्ट का जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है उसमें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुख्तलिफ लोगों को हम यहाँ पर बुलाते हैं और बुलाकर उनकी राय उनके बारे में आपको डिटेल इंशाल्लाह ताला फराहम करते हैं और करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट हसन रज़ा असवानी और इरफान साहब को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।